मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पर्सनालिटी 3.4 के कुछ क्वेश्चन को देखे थे, आज हम उसके बाद के क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है दूसरा का थर्ड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। दो अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों का योग 9 है। इस संख्या के का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या को का 2 गुना है। मतलब इस संख्या जो ये संख्या है वो अंकों, इस संख्या का जो 9 गुना है वह संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है। ये सवाल आज पहली बार आप लोग पढ़ रहे हैं, इससे पहले इस टाइप का कोई सवाल आप लोगों ने नहीं पढ़ा था, इसलिए इस सवाल को बिल्कुल ध्यान से आप देखिए। फिर से मैं पढ़ रहा हूं, दो अंकों की एक संख्या है, मतलब दो अंक है। दो अंक मतलब क्या होगा, दो अंकों की एक संख्या किस टाइप की होती है, 2 और 3 भी हो सकता है। दो अंक की संख्या 23, 52 भी हो जाएगा, 55 भी हो जाएगा। ये दो अंकों की एक संख्या होगी, इसमें दो अंक है। इसमें पहला अंक जो ये वाला होता है उसको हम लोग इकाई का अंक कहते हैं। इसको कौन सा अंक कहते हैं, इकाई का अंक कहते हैं। और जो दो नंबर पे होता है उसको क्या कहते हैं, दहाई का अंक कहते हैं। ये आप लोग पहले से जानते होंगे, एक होता है इकाई का अंक, एक होता है दहाई। फिर सैकड़ा, हजार, 10,000, 1,00,000, 3 बढ़ते जाता है। परंतु दो अंक का बोला है तो दो अंक में इकाई होगा और ये क्या होगा, दहाई होगा। तो हम लोग को जो मानना होगा वो एक इकाई मानना होगा, एक दहाई का मानना होगा, ठीक है, क्योंकि दो अंकों की संख्या है। तो बिल्कुल ध्यान से, जब ऐसा सवाल आपके सामने आए तो आपको क्या करना है मैं बता रहा हूं आपको, बिल्कुल ध्यान से लिखिएगा। पहले यहां पे लिखना है हल और लिखना है माना की, माना की, माना की। यहां दो अंकों की एक संख्या है तो दो अंकों की मतलब इसमें एक होगा इकाई का अंक, माना की इकाई का अंक बराबर क्या मान लिया हम लोगों ने, एक्स। और दहाई का अंक क्या मान लिया, दहाई का अंक बराबर क्या मान लिया, वाई। याद रहेगा क्या मानना है, इकाई का अंक एक्स और दहाई का अंक वाई, बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा। तो इसलिए संख्या बराबर क्या मिल रहे, यहां पर बिल्कुल ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान, संख्या बराबर क्या होगा, हमने इकाई के अंक को x माना है और दहाई के अंक को y माना है। तो दहाई के अंक मतलब, दहाई का अंक मतलब क्या है, जैसे यहां पर हमारे पास 52 लिखा हो तो इकाई का अंक हो गया 2, सर्वप्रथम वो क्या कहते हैं स्थानीय मान निकालते हैं, तो दहाई के अंक में 2 अंक है तो यहां पर 50 हो जाता है। पढ़ा है आपने, यहां 10 से गुणा होता है कि नहीं होता है, सैकड़ा में 100 से हो जाता है, हजार में 1,000 से गुणा हो जाता है हजार के अंक में, ठीक है। तो यहाँ पर 5 है तो इसमें 10 से गुणा हो गया तो कितना हो गया, 50। उसी प्रकार से यहाँ जो दहाई का अंक क्या है, y है, तो y में हम 10 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 10 में y से गुणा करेंगे तो 10y प्लस 2, तो 2 है तो क्या इकाई का अंक है, x। याद रखिएगा तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 10y प्लस x। बहुत बच्चे यहाँ गलती करते हैं, क्या करते हैं वो 10x प्लस y मान लिख देते हैं, ये गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि इकाई का अंक x है, तो इकाई का अंक x और दहाई में 10 गुणा होगा, तो जो दहाई का आप मानेंगे उसमें आप 10 गुणा करेंगे। याद रहेगा सभी को, क्या याद रहेगा, पहले आपको इकाई का अंक मानना है, फिर दहाई का अंक मानना है, और फिर संख्या बराबर क्या लिखना है, दहाई के अंक में 10 से गुणा प्लस x, ठीक है। तो 10y प्लस x संख्या हो गया। अब बिल्कुल ध्यान से ऊपर फिर देखिए, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने, अंक को पलटा जा रहा है, जैसे अंक को पलटने का मतलब अगर ये 52 है तो इसको पलट दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, 25 बन जाएगा। अंक को पलटना मतलब 25, 25 का मतलब क्या, इकाई का अंक 5 हो गया और दहाई का अंक क्या हो गया, 2। तो यहां हम क्यों ऐसे लिखेंगे, अंक को, अंकों को पलटने, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या,
अंक को हम लोगों ने क्या कर दिया, पलटा। तो प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी, अंक को पलटा मतलब क्या, जो इकाई का अंक था वो दहाई बन गया, और जो दहाई का अंक था क्या बन गया, इकाई, मतलब क्या हो जाएगा, 10x + y हो जाएगा। फिर से एक बार देखेंगे, संख्या बराबर 10y + x है, तो जब अंक को पलटा जा रहा है तो प्राप्त संख्या कितनी हो जाएगी, तो 10y की जगह 10x + y। याद रहेगा, बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। दोनों को समझ में आए क्या क्या करना है आप लोग को, क्लियर है यहां तक। अब देखिए, अब हम लिखेंगे प्रश्न की पहली शर्त अनुसार, प्रश्न की पहली शर्त अनुसार बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट में, अगर ये आपको समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रश्न की पहली शर्त अनुसार, पहली शर्त क्या है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब अंकों का योग 9 है, मतलब अंक x और y दोनों का योग कितना है, 9। तो पहली शर्त क्या है, x + y = 9, अंकों का योग मतलब x और y का योग कितना है, 9 है। समीकरण नंबर क्या होगा, 1। तो दिक्कत, अब प्रश्न की दूसरी शर्त अनुसार, दूसरी शर्तानुसार, ठीक है, दूसरी शर्त देखिए बिल्कुल ध्यान से, ये थोड़ा सा भारी है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या मतलब जो पहले से संख्या है, मतलब इस संख्या मतलब ये वाली संख्या का 9 गुना, ठीक है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, मतलब संख्या के अंकों को पलटने से संख्या कौन हो जाएगी, ये का 2 गुना है, मतलब फिर से एक बार देखें, इस संख्या का 9 गुना, मतलब इस मतलब इस संख्या मतलब, इस संख्या मतलब क्या हो जाएगा, इस संख्या मतलब 10y + x, 10y + x का कितना गुना, 9 गुना बराबर संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, क्या भाई, संख्या को अंकों से पलटने पर बनी संख्या 10x + y, यही है, का 2 गुना है, मतलब कितना है, 2 गुना है, 2 गुना कर दिए, यहाँ 9 गुना और यहाँ क्या, 2 गुना। सॉल्व करें, 9 में से करेंगे तो 9 दहाके 90y + 9x = 9x बराबर, 2 में से करेंगे तो 10 × 20x और 2 में y से तो 2y हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब x और y सबको नेगेटिव कर लिए, 90y और प्लस का 9x था इधर, ये था इधर, और ये वाला उधर जाएगा तो माइनस का 20x और प्लस का 2y हो जाएगा बराबर 0। तो x वाले का आगे कर देते हैं, 9 में से 20 गया तो माइनस का 11x और ये क्या है, 90y है और यहाँ 2y है, अरे ये प्लस है ना, तो प्लस है कि इधर माइनस ना हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दिया कीजिए, यही माइनस प्लस गड़बड़ कर देता है क्वेश्चन को, तो 2 यहाँ 90 में से 2 गया तो प्लस का 88y बराबर क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप कॉमन लेना चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं, जैसे इसमें माइनस आगे है अच्छा नहीं लग रहा है तो कॉमन ले सकते हैं, इसमें 11 है इसमें 88 है, मतलब 88 में भी 11 है, तो यहाँ आप चाहें तो माइनस 11 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, एक्स माइनस निकल गया तो माइनस बन जाएगा प्लस में से, और 88 में से 11 निकला, मतलब 11 8 88 होता है ना, तो 11 निकल गया तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, 8y बराबर 0 हो जाएगा, x - 8y = 0 समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत, एक नहीं दो, एक यहां बन चुका है समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास 2 समीकरण हो गए, एक समीकरण 1 और एक समीकरण 2, तो दोनों को सॉल्व करते हैं, एक क्या है भाई, x + y = 9 था समीकरण 1, अब x - 8y = 0 समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर क्या किया जाए बताइए, ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर है और दोनों का चिन्ह भी बराबर है, तो आप क्या कीजिएगा, घटाने पर कीजिएगा, पता ही है आप लोग को, तो समीकरण यहां भी लिख दीजिएगा, समीकरण 1 को
दो एक में दो से नहीं एक में से ऐसे नहीं लिखते, एक में से दो को घटाने पर, चलिए भाई घटा दिया जाए, ये प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये तो कट गया चिन्ह अलग अलग हो गया, तो ये प्लस ये भी प्लस, तो आठ वाई कितना हो गया नौ वाई बराबर नौ में से जीरो गया तो नौ हो गया, वाई बराबर नौ में से नौ और नौ कितना हो जाएगा नौ और बटा में नौ हो जाएगा एक आ गया, वाई का मान कितना है एक। अब वाई का मान कहाँ रख दीजिएगा समीकरण एक में, रखने आता है ना विलोपन विधि, वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, चलिए क्या है भाई ये है x प्लस वाई बराबर नौ, एक में रखा गया y का मान, x का मान यहाँ पर तो पता ही नहीं है, तो x ये x प्लस y का मान एक बराबर नौ, x बराबर नौ और ये प्लस है जरा कि माइनस का एक, x बराबर नौ में से एक गया x का मान आ गया आठ, y का मान आ गया नौ, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इसलिए इकाई का अंक x बराबर इकाई का अंक x बराबर आठ और दहाई का अंक, दहाई का अंक क्या हो जाएगा y बराबर कितना है तीन एक, अतः संख्या बराबर, अतः संख्या बराबर, संख्या बराबर क्या है दस वाई प्लस एक्स है, यही ना मेन है, ये मेन संख्या है, ये नहीं है ये पलटने वाला है, ये वाला मेन है, अतः संख्या बराबर दस वाई प्लस एक्स, दस वाई का मान कितना एक प्लस एक्स का मान आठ, दस एकम दस प्लस आठ, दस और आठ कितना हो गया अठारह, तो संख्या का मान कितना आ गया अठारह आ गया, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है, ठीक है बिल्कुल ध्यान से आप बनाइएगा, इसके बाद भी मैं एक और सवाल इसी के जैसा करा रहा हूँ जिसको आप बिल्कुल अच्छे से देख के समझ के कर सकते हैं, ठीक है एक और इसी के जैसा सवाल कराता हूँ तब आपको होमवर्क दूंगा, बिल्कुल ध्यान से सेम ऐसा ही सवाल होगा वो भी, ठीक है तो अच्छी तरीके से एक बार फिर से मिलवा देते हैं, अगर आपको दो अंकों की संख्या कहेगा जैसे इकाई का अंक माना दहाई का तो संख्या आपको मान लिया जाएगा, संख्या में आप दस से गुणा किसमें कीजिएगा जो दहाई का अंक होगा, फिर पलटने पर संख्या तो x वाले को y की जगह y को x की जगह कर दीजिएगा, ठीक है प्रश्न की पहली शर्त है, पहली शर्त पढ़िएगा फिर दूसरी शर्त पढ़िएगा, दूसरी शर्त के बाद सॉल्व करके समीकरण एक और दो प्राप्त हो जाएगा, जब उसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका x और y का मान प्राप्त हो जाएगा, एक इकाई का हो जाएगा दाएं का हो जाएगा, ये संख्या ज्ञात कर दीजिएगा, ठीक है पांच नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है तो जल्दी से इसको कर लीजिए फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, चलिए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, यदि संख्या के उधार अंकों का अंतर दो हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, और ऐसी संख्याएं कितनी है हमको संख्या ज्ञात करनी है, संख्या कितनी है वो भी बतानी है, और एक और बात याद रखिएगा उदाहरण का 13 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाने का, बहुत अच्छी तरीके से पिछला वाला जो बनाया था सेम वैसा ही एक क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पे दो अंकों की एक संख्या कर रहा है तो फिर आप क्या मानेंगे पता ही है आप लोगों को, माना कि इकाई का अंक बराबर इकाई का अंक क्या हो जाएगा एक्स इकाई का अंक बराबर क्या हो जाएगा x, फिर हम क्या मानेंगे दहाई का अंक बराबर क्या हो जाएगा y, ठीक है दोनों अंक जब हमने मान लिया तो उसके बाद क्या करेंगे संख्या बराबर, इसलिए संख्या बराबर क्या हो जाएगा संख्या बराबर दहाई के अंक में 10 से गुणा मतलब 10y प्लस x, ठीक है यहां तो क्लियर है, फिर हमको यहां पे पलटने वाला बात आ रहा है तो हमको पलटने वाली संख्या लिखेंगे अंकों को
पलटने से प्राप्त संख्या। तो पलट दिया जाए भाई, तो यहां पे 10 वाई प्लस एक्स है, तो उसको हम लोग 10x प्लस वाई कर देते हैं। ठीक है, 10x क्या कर देते हैं, 10x प्लस वाई। तो यहां पर हमने पलट दिए तो हमारा एक थ्री हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, दोनों संख्या हो गई। अब देखिए ध्यान से सवाल को पढ़ेंगे, दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग, मतलब दोनों का योग कितना है, 66 है। तो प्रश्न की पहली शर्तानुसार, पहली शर्त क्या है कि दोनों का योग, ये वाला और ये वाला दोनों का योग, मतलब ये वाला मतलब 10y प्लस x और दूसरा कौन सा है 10x प्लस y। ठीक है, दोनों का योग कितना है, 66 है, तो 66 लिख देंगे। 10y और 10 1y प्लस का चिन्ह तो दोनों जुड़ जाएगा, 10 और 1 11x प्लस 10 और y और 1 11y हो जाएगा बराबर 66। 11 कॉमन हो गया, x प्लस y बराबर 66, तो ये 11 बट्टा में हो जाएगा इधर आकर के, तो x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, 66 में से ये वो 66 बट्टा 11 बराबर क्या हो जाएगा 6। समीकरण में क्या हो गया, ए मतलब समीकरण ये क्या हो गया, x प्लस y बराबर 6। अब प्रश्न की दूसरी शर्तानुसार, प्रश्न की दूसरी शर्तानुसार, बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा कि दूसरा शब्द थोड़ा सा अजीब है। दूसरा शब्द है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर दो हो, अंकों का अंतर दो हो कह रहा है, और यहां पर ये नहीं बता रहा है कौन अंक बड़ा है, x भी बड़ा हो सकता है, y भी बड़ा हो सकता है, अंकों का अंतर केवल दो दे रहा है, तो यहां पर हमारे पास दो प्रकार का समीकरण बन सकता है, दो टाइप से। एक बन सकता है अंकों का अंतर मतलब x माइनस y बराबर 2, एक स्थिति यह आएगी, और दूसरी स्थिति यह आ सकती है कि y माइनस x बराबर 2। ये दो स्थिति आ सकती है हमारे पास, कौन कौन सी स्थिति आ सकती है, तो स्थिति वन, स्थिति फर्स्ट x माइनस y बराबर 2 यह आ सकती है, स्थिति सेकेंड y माइनस x बराबर 2 हो जाएगी। दोनों स्थिति आएगी और दोनों स्थिति में हम लोग का अंतर 2 ही कह रहा है, मतलब एक बार x को बड़ा मान लेते हैं, एक बार y को। अब ये दोनों हमारे लिए दो समीकरण हो गए, ये भी समीकरण 2 हो गया इसके लिए, और ये भी समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो एक बार हम इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे और एक बार इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे, अब तब निकालेंगे, मतलब हमको यहाँ पे दो विलोपन करना होगा, तो दो पार्ट में यहीं से बांट देंगे आपको, स्थिति फर्स्ट स्थिति सेकंड। स्थिति फर्स्ट में x बड़ा है और स्थिति सेकंड में y बड़ा है। ठीक है, तब क्या होगा, समीकरण एक x माइनस y बराबर 6 है, तो और समीकरण दो x माइनस y बराबर क्या है, 2 है, मतलब दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये भी प्लस का ये माइनस का, तो दोनों जोड़ के y कट जाएगा। देखेंगे समीकरण एक और दो को जोड़ने पर क्या करने पर, जोड़ने पर जोड़ा जाए x प्लस y बराबर क्या था, 6 इक्वेशन 1 था और दूसरा इक्वेशन इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है x माइनस y बराबर 2, दोनों को काटा गया y से y कर दिया, x x क्या हो जाएगा 2x बराबर 8, तो x बराबर 8 बटा 2 बराबर कितना हो गया 4, x का मान 4 आ गया, इसलिए x का मान को कहां रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 क्या है x प्लस y बराबर x प्लस y बराबर 6, तो x x का मान 4, तो 4 प्लस y बराबर 6, तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 4 बराबर 2, यहाँ x का मान 4 y का मान 2, इसलिए यहाँ पे इसके नीचे लिखना होगा इसलिए, चलिए इसलिए फिर बात लिखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, यहाँ पे वही पहले इसको सीधा कर देते हैं, माइनस x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 2, इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, सीधा करके लिख देते हैं, अब इसमें भी वही एक और दो को क्या करने पर, जोड़ने पर, क्यों जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ पे x प्लस का है और यहाँ पे x इसका है माइनस का, तो जोड़ देने कट जाएगा, तो जोड़ने पर हिंदी पूरा लिख लीजिएगा यहाँ पर कि जोड़ा गया, चलिए जोड़िए
क्या है x प्लस वाई बराबर 6 और माइनस x, समीकरण दो क्या है x माइनस x प्लस वाई बराबर 2, समीकरण एक और समीकरण दो जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जोड़ा जाएगा तो ये कट जाएगा, क्या बचा 2y बराबर 8, तो y बराबर क्या हो गया 8 बटा 2 बराबर 4। y का मान कहां रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, रखा जाए y का मान 4 है, समीकरण एक क्या है x प्लस y बराबर 6, x प्लस y का मान 4 प्लस बराबर 6, x बराबर 6 माइनस 4, प्लस के अंदर के माइनस हो जाएगा बराबर कितना आ गया 2। यहां x का मान 2 आ रहा है, y का मान 4, और यहां x का मान 4 आ रहा है, y का मान 2, तो दोनों के लिए अलग अलग ये मिला दे रहे हैं, समझ में आ गया भैया, दोनों के लिए अलग अलग चलेंगे, तो दोनों के लिए अलग अलग दो बार बांट दिया, तो पहला का मान x का मान 4 और y का मान 2, इसलिए संख्या बराबर पहला क्या हो जाएगा 10y प्लस x, तो पहला के लिए जाएगा 10y का मान कितना 2 और प्लस 4 बराबर 10 गुना 20 प्लस 4 बराबर क्या हो गया 24, और दूसरी तरफ स्थिति सेकंड है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकंड के लिए x का मान 2 y का मान 4, y का मान कितना है 4 है, तो रखेंगे इसलिए संख्या बराबर क्या संख्या वही होगा 10y प्लस x, यहां y का मान कितना आया 4 और x का मान कितना आया 2, 10 चौका 40 प्लस 2 बराबर 42, मतलब हमें दो संख्या प्राप्त हुई, पहली स्थिति से 24 और दूसरी स्थिति से 42, अतः संख्या क्या हुई, ऐसी संख्या कितनी होती, अतः ऐसी दो संख्याएं कौन कौन 24 और कितना 42 होगी, लिख दिया आप लोगों ने, ठीक है, ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल था, यहाँ पर क्या कर दिया कि अंतर बोल दिया तो बताना चाहिए ना x बड़ा कि y बड़ा, तो हम लोगों ने दोनों स्थिति से सॉल्व किया और दोनों स्थिति से हमारी दो संख्याएं प्राप्त हुई, ठीक है, मतलब ये अलग टाइप का नहीं है, वही सवाल है, अगर आप इसको हटा दें तो खाली एक इसे सॉल्व करें तो वही सवाल हो जाएगा, ठीक है, तो इसको हड़बड़ा के मत बनाइएगा, आराम से इसको बनाइएगा, फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ, दो अंक है तो इकाई दहाई का अंक को मान लीजिएगा, एक संख्या आपको प्राप्त होगी, फिर इसका अंकों को पलटने पे प्राप्त संख्या कर लीजिएगा, उसमें x और y को पलट दीजिएगा, फिर प्रश्न पहली शर्त पढ़िएगा सॉल्व कीजिएगा, दूसरी शर्त पढ़ने के बाद उसको सॉल्व कीजिएगा, और करने के बाद से जोड़ने या घटाने पर जो काम करेंगे आप करके आप x और y का मान प्राप्त कीजिएगा, मतलब विलोपन विधि से इसका x और y का मान प्राप्त कीजिएगा, अपराध करने के बाद अतः लिख दीजिएगा, ठीक है, तो हो गया यहाँ पर दोनों क्वेश्चन तो समाप्त हुआ, समझ में आया होगा आप सभी को, अब हम होमवर्क देखते हैं कि आज का जो होमवर्क क्या है, तो जल्दी से इसको उतार लीजिए, चलिए स्टूडेंट्स अब आ रही है होमवर्क की, तो आज का जो हमारा होमवर्क है वही दो क्वेश्चन है जो आपको मैंने कराया था उसी की जैसा दो क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से इसको बनाइएगा, पहला क्वेश्चन है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है, मतलब अंकों का योग 12 है, इस संख्या का 7 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब उस संख्या का 7 गुना और जो अंकों से पलटने प्राप्त संख्या है उसका 4 गुना के बराबर है, ठीक है, तो संख्या ज्ञात करिए बिल्कुल पहले वाले की जैसा ही है। दूसरा क्वेश्चन दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है, वह संख्या ज्ञात और अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का अंतर, याद रखिएगा मैंने यहां पर बोला वह संख्या और अंकों के पलटने से बड़ी संख्या का अंतर, मतलब यहाँ घटाव हो रहा है, तो पहले वह संख्या लिखिएगा, अब ये बीच में क्या लिखिएगा अंतर का चिन्ह, और फिर जो अंकों को पलटने बड़ी संख्या वो लिखिएगा, अब बराबर क्या लिखिएगा 27,
ध्यान से देखिएगा, जोर मत दीजिएगा, पहले बहुत संख्या जो माने वो रखिएगा, फिर प्रश्न वाली संख्या रखिएगा, तब बीच में माइनस देकर के बराबर क्या कर दीजिएगा, 27 है तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से बना लेंगे, बनाने के बाद मेरे व्हाट्सएप पर भेज देंगे। ठीक है, और अगर किसी को कोई चीज का प्रॉब्लम होगा तो मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब जो हमारा जो क्वेश्चन दो और बच रहा है प्रश्नावली का, उसको हम लोग कल के वीडियो में पूरा कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।